नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। अम्बा के बीलपुर गांव में 25 मई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा में विनोद पचौरी की सरपंच पद के प्रत्याशी और उसके साथियों ने मिलकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपियों के द्वारा मृतक के गाँव बीलपुर पहुंचकर उनके परिवार के लोगों को धमकी दी जा रही है। आरोपियों के द्वारा मृतक के परिवार पर राजीनामा के लिए दबाव बनाया जा रहा है। मृतक के परिजनों का कहना है कि आरोपियों पर राजनीतिक संरक्षण है, जिसके चलते पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। मृतक के परिजनों ने मुरैना पुलिस अधीक्षक से लेकर मुख्यमंत्री तक आरोपियों को पकड़ने की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जो भी इस मामले में आरोपी निकल के आएंगे उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। मृतक के परिजनों के साथ पुलिस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मेरा नाम देवेंद्र पचौरी, ग्राम बीलपुर पोस्ट को थाना जिला मुरैना का रहने वाला हूँ। 25 जून में मतलब सरपंच जी का वोट पड़े थे तो मेरे चाचा मलन के बराबर देखने के लिए वहाँ गए थे। पोलिंग बूथ पे झगड़ा हो रहा, हमारे चाचा उधर से निकले तो 10-12 लोग राइफल कट्टे लेकर वहाँ बैठे थे, तो उन लोगों ने चाचा का मर्डर कर दिया। अम्बा थाने में हमने FIR कराई थी, उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अधिकारी लोगों सबको, मुख्यमंत्री से लेकर सब प्रशासन को आवेदन दे दिए। सर, 2 लोगों ने SP साहब ने मौके पकड़ लिया, उसको जेल भेज दिया। 10 लोग सरेआम कट्टा बंदूक लेकर फरार घूम रहे हैं, हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, या राजीनामा कर लो या आपको मर्डर कर देंगे। हमने सब लोगों को आवेदन SP साहब से लेकर मुख्यमंत्री सब लोगों को दे दिया है, और नेता लोग दबाव हम पे बना रहे हैं कि राजीनामा कर लो तो अच्छा रहेगा। हाँ, दबाव बनाए, कट्टा बंदूक लेंगे, दबाव बना रहे हैं, या तो राजीनामा कर लो नहीं आपको मर्डर कर देंगे। अभी तो एक मारा है, 2-4 लोग और मारेंगे, पूरे घर को नष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे हम पे दबाव बना रहे हैं। आने जाने में हमको बहुत परेशानी आ रही है, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। ये क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं ये लोग? मालूम नहीं, नेता लोगों को और दबाव बना रहे हैं हम लोगों पे, राजीनामा कर लो तो अच्छा रहेगा। क्या इसमें देखिए, जो इसमें क्रास कायमी हुई थी चुनाव के दौरान, जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के, और उसमें जो आरोपियों के नाम लिखवाए गए, और जो दोनों तरफ से, हम एक तरफ से बात नहीं करेंगे, तो उसमें उसके पश्चात बहुत सारे ऐसे आवेदन आए, बहुत सारे ऐसे प्रमाण इकट्ठे हुए जिसमें कि ये बात भी पता चली है कि उन लोगों के नाम भी लिखवा दिए जो मौके पर उपस्थित नहीं थे। तो पुलिस जो है इसमें निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, सारे साक्ष्य इकट्ठा कर रही है, और साक्ष्य के बाद इसमें जो भी इसमें तथ्य निकल करके सामने आएंगे उसके अनुरूप जो है विधि अनुरूप कार्रवाई उसमें की जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें हमने अभी TI से बात की है और TI को निर्देशित किया है कि दोनों ही मामले में इसमें जो भी आवेदन आए हैं उनका शीघ्र निराकरण करके और पूरे मामले का निकाल करें, और 1-2 हफ्ते के भीतर में इसमें जो चालान लगाना है या कि जो भी स्थिति बनती है उसको कंप्लीट करें मामले को।